और ये गांव वाले खड़े, इनको पूछ लेना। सरपंच साहब, मैं ग्राम में गांव के चौराहे पे भी बात करूंगा, आपकी बात सुनूंगा और उनकी भी बात सुनूंगा। सरपंच साहब, मैं अभी जैतार से लौटती है। दरअसल 13 किलोमीटर का यह सफर बहुत कठिन सफर रहा, कठिन इसलिए रहा का ये आपकी सड़क है वो मुझे पसंद नहीं आई, और मुझे क्या शायद ग्राम वालों के लिए भी एक मुसीबत का सबक है, सड़क बहुत क्षतिग्रस्त है, ऐसा क्यों आपने ध्यान नहीं दिया सड़क पर? हमारा पत्रकार जी नमस्कार, हमारा सरपंच ऐसा होना चाहिए जो 5 साल का अपना विजन बताए कि मैं 5 साल में गांव में क्या करना चाहूँगा, मेरा क्या योजना है, और गांव की जो समस्याएं हैं उसके लिए हमें एक शिक्षित सरपंच चाहिए। आप मारवाड़ी में भी बोल सको, मने मारवाड़ी पूरी आवे क्या सरपंच है जी आपने? मैं बोलो, हाँ बोलो, मारा बोलो। पानी की समस्या है पूरी, पानी है नहीं, मीठा पानी, मीठा पानी की समस्या पूरी आते हैं, और जरूरी रहना आते वो है तो काम में। सबसे पहले तो पानी की, सड़क की और चिकित्सालय नहीं है, और सबसे पहले ये मैं सोच रही हूँ 5 सालों में फैमिली की बहुत समस्या है, लेडीज बहुत परेशान। श्री पहला जी साहब, आपका स्वागत है जैतार न्यूज में। सबसे पहले तो खान न्यूज जैतार न्यूज का मैं स्वागत करता हूँ, और खान साहब आप मेरी लोटोती ग्राम पंचायत में पधारे, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सरपंच साहब। हालांकि आपने पिछले 5 सालों में मुझे बहुत बार निमंत्रण दिया, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं आपके कार्यकाल में कोई किसी भी कार्यक्रम में शरीक नहीं हो सका, लेकिन अब आपका भी अंतिम दौर है और मेरा भी इस चुनावी यात्रा का अंतिम दौर है, तो अपन बाद मुद्दे पे आते हैं। आपने अपने कार्यकाल में पिछले 5 साल में इस ग्राम के लिए क्या किया, जिस उद्देश्य से आपने चुनाव लड़ा, आपने जो जनता से वादे किए, क्या आप जनता के वादे पर खरे उतरे? यस खान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोटोती में एक पुरानी बिल्डिंग को गिराना और पुरानी नई बिल्डिंग का निर्माण करवाना। कितनी लागत आई उस पर? कम से कम उसमें लागत हुई 4 कमरे तो रम सके थे, और 4 कमरे, एक तो गुरु गोलकर में 2 कमरे थे और एक गुरु गोलकर में दूसरा कमरा था, उसमें कम से कम 20-25 लाख का लागत थी, जिसने मैंने भामाशाह सहयोग से और सरकार की तरफ से गुरु गोलकुल में मैंने बनवाई, उस बिल्डिंग का निर्माण करवाया, और इसके उपरांत मैंने फर्नीचर की व्यवस्था की, 2 लाख की फर्नीचर की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, और जहाँ कीचड़ होते थे बच्चों के लिए परेशानी होती थी, 2 लाख की भर्ती भरवाई मैंने, और विद्यालय के लिए मैंने सबसे बड़ी उपलब्धि पाई, और ये गाँव वाले खड़े इनको पूछ लेना। सरपंच साहब, मैं ग्राम में गांव के चौराहे पे भी बात करूंगा, आपकी बात सुनूंगा और उनकी भी बात सुनूंगा। सरपंच साहब, मैं अभी जैतार से लौटती है। दरअसल 13 किलोमीटर का यह सफर बहुत कठिन सफर रहा, कठिन इसलिए रहा का ये आपकी सड़क है वो मुझे पसंद नहीं आई, और मुझे क्या शायद ग्राम वालों के लिए भी एक मुसीबत का सबक है, सड़क बहुत क्षतिग्रस्त है, ऐसा क्यों आपने ध्यान नहीं दिया सड़क पर? मैंने 5 साल तक इस सड़क के बारे में, हमारे गाँव से 5 किलोमीटर दूर निर्मेक्स फैक्ट्री है, उनसे मैंने 5 साल तक काफ़ी लड़ाई की, हर तरीके से मैंने SDM कोर्ट को मुख्यमंत्री के नाम और कलेक्टर के नाम भी मैंने ज्ञापन लिखा, और इस फैक्ट्री के खिलाफ भी मैंने कई रोड्स भी शो किए, और इसके उपरांत नहीं, फैक्ट्री ने मेरे को नहीं सुना, और ये आउटलोडिंग है, इनकी क्षमता है रोड की, सड़क की क्षमता 20 टन 25 टन, और इस पर जो ट्रके बह रही है जैतार बाईपास पे चलती, जैसी ट्रके मैंने देखी से आपके 80-80 टन के जो इनकी क्षमता नहीं, वो भरपूर मात्रा में यहाँ ट्रके बहती हैं, जैसे हाईवे पे चलती है वैसी इस रोड की दशा कर दी है लोग। और अब ये, और सबसे पहले मैंने काम किया इस गांव में किशन लोटोती से किशन नगर रोड जो 40 साल से पड़ी हुई थी, जहाँ 2-3 किलोमीटर रोड यहाँ जैतार से जोधपुर जाना उनके बराबर थी, और 3 किलोमीटर रोड जैसे कोई भी पशु महिलाएं थी जैसे डिलीवरी के लिए बिलाड़ा की तरफ ले जाते थे तो उनको डिलीवरी रास्ता में ही हो जाती थी, और आज स्थिति यह है लोटोती से जैतार की ओर तो कोई भी महिला जैसे डिलीवरी की होती है तो उनके रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो कृपया मैं इस सरकार, राज्य सरकार से ये बात कही तो राज्य सरकार ने ये कहा कि खनिज विभाग में इस रोड का प्रस्ताव बनाया, PWD ने भी कहा कि जल्दी से जल्दी इस रोड की शुद्धिकरण और नई रोड बनेगी। सरपंच साहब, मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपका ग्राम में महिलाएँ की संख्या अधिक है ऐसा मैंने सुना है, तो उन महिलाओं के रोजगार के लिए आपने कुछ किया, या उनके पेंशन है सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाला, ऐसा कुछ काम किया महिलाओं के लिए आपने?
सर सबसे ज़्यादा ही महिला ही मुझे जीताई है। मैं आज कहना चाहता हूँ आपने महिला को मेरा चुना और महिला सबसे ज़्यादा मतदान महिलाओं ने किया मेरा, और इस महिलाओं के लिए मैंने 550 पेंशन, जिसकी पेंशन सबसे ज़्यादा महिलाओं की है मैंने, और महिलाओं के लिए नरेगा योजना में जो मेरी नरेगा चल रही है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा महिला का नाम ही चलता, और 5 साल में उनको कभी मैं तकलीफ़ नहीं दी। जैसे पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, विकलांग सबसे ज़्यादा विकलांगता पेंशन ही मैंने करवाई, जितने कितने मेरे गांव में विकलांग है उसकी सारी पेंशन मैंने करवाई। और महिलाओं को आप पूछ लेना, अभी 2 मिनट बाद में महिला को मिलेगी आपको कैसा सरपंच है और एक कैसा कार्यकाल रहा उनका, आप अच्छी तरह समझ लेना। इसके उपरांत मैं किसानों के लिए पाली जिला में सबसे पहले मैंने एक खाद्यान्न भंडार का जिसकी लागत 22.5 लाख, तो किसानों की खेती होती है, किसान खेती से बीज उत्पन्न करके फिर बाद में उसमें ये इस खाद्यान्न भंडार में रख सकते हैं, आपका फसल का कोई भी नुकसान नहीं होए, और बीज उत्पादन होते ही वहाँ फसल के लिए मैंने सारी का व्यवस्था कर दी है। सरपंच साहब, आप जैसा बता रहे हैं कि आपने विकास के नया आयाम स्थापित किए चूँकि अब आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और आपने काम भी किया जैसा आप बता रहे, लेकिन ऐसे कई काम होते हैं जो नहीं कर पाते, ऐसे कोई काम है जो आपके मन में टीस रहेगी कि मैं सरपंच रहा और मैं चाहता वो काम हो सकता था लेकिन वो नहीं हो पाया, ऐसा कोई काम है जो आपको मला लेगा मैं नहीं कर पाया? सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इस प्रश्न का मैं जवाब दूंगा आपको। मैं मेरे गांव में सबसे बड़ा तालाब है और लोग तालाब के गांव से ही पहचानते हैं, मेरी एक ख्वाहिश रह गई थी तालाब को मैंने सही ढंग से नहीं करवा पाया, उनका शुद्धिकरण और ये जो सारा पिचिंग व्यवस्था वगैरह, मेरे कार्यकाल में 41.5 लाख की लागत सेंक्शन भी लिया है मेरे इस कार्यकाल में, शायद मुझसे ये नहीं होया कि इस तालाब की दशा सुधार सकूँ। बाकी रहे, मैंने पेड़ पौधा लगवाया तालाब की, जहाँ जिस दिन गांव बसा उस दिन गांव का तालाब खुदा, अब की बार मेरे कार्यकाल में 10 लाख की लागत से फैक्ट्रियों से, दोनों फैक्ट्रियों से मैंने तालाब को खुदाया, आज समुद्र की तरह तालाब भरा हुआ है, आप देख लेना उसको। नहीं, वो मैंने देखा सुना और मैंने अखबारों में भी पढ़ा था, लंबे टाइम तक आपका वो सर्वनाम का कार्यक्रम भी चला था आपके लोटोदी ग्राम में, बहुत सारे काम हुए। सरपंच साहब, आपके लिए जितने भी ये उम्मीदवार सब बराबर है, लेकिन आप कैसा सरपंच चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत में जो आपकी विरासत संभाल सके? खान साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जैसा मैं था वैसा सरपंच आए, इस गांव के दशा सुधार सके, इस पंचायत की जो 5 साल की मेरी जाजम बिछी हुई है उस जाजम को बरकरार रखे और आपस में भाईचारा रखे, आपस में भेदभाव नहीं करे, और एक ही मेरा तो कारण एक ही है, 5 साल में कभी पुलिस इस गांव में नहीं आई, बहुत बड़ी बात है ये, है कि नहीं सर? इस गांव वालों को पूछ लेना आप, और मेरी समझाई से मैं घर जाके उनका पैर पकड़ा, कैसे भी करके उनको समझाना, आपस में जो भी पुलिस वाले का काम होता वो मैंने नहीं करवाया 5 साल, और जेतान तक मैं नहीं आने दिया पब्लिक को। सरपंच साहब, दरअसल आप 5 साल तक इस सरपंचाई में बिजी रहे होंगे, लाजमी बात है कि सुबह से शाम तक आपके घर पे या आप जहाँ पर भी रहते हैं लोगों का झमघट लगा रहता था, ऐसे में आप परेशान नहीं होते? बिल्कुल, मैं जनता से इतना परेशान नहीं होता जैसे मेरे घर के से परेशान होता हूँ मैं इतना आदि हो गया मैं जनता से, और अभी भी मुझे सुबह नींद 6 बजे खुलती है तो मैं यही कहता हूँ मेरे गांव में एक दफ़े जाऊँ मैं जनता का इनका दुख नहीं देखना चाहता हूँ, मैं भली दुखी होता हूँ, मैं इनका दुख सहन नहीं कर सकता हूँ, और आगे भी इनके कंधा से कंधा मिला के इनके साथ में रहूँगा। वो तो आपको करना ही है चूँकि आप तो ता उम्र सरपंच साहब कहलाओगे। बिल्कुल सर, और इन जनता को 5 साल तक मेरी हथौलियों में रखा मैंने, मेरे सिर ऊपर इनको रख के मैंने काम किया, और आपको पता ही है, आप खुद जानते हो मैं जेतरण में कभी जेतरण में रहता हूँ कभी लोटोती में रहता हूँ। वो मैं देखता था आप पंचायत समिति में भी लगातार आते थे और मंत्री जी के पास भी आते थे और सोचे जाते हैं DRD तक मैंने आपको देखा आपके काम की, मैं हालांकि मैं तारीफ नहीं करता दरअसल आलोचना भी मैं ज़्यादा करता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपको पंचायत समिति की हर मीटिंग में देखा करता था। मैं IB खान जो अभी इस समय लोटोती ग्राम पंचायत जो युवा सरपंच थे पहला जी सरगरा उनसे मुखातिब हो रहा था, और अब आपको सीधा ले चलूँगा इसे
लोटोदी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के साथ, वो क्या कहते हैं, उनकी बात सर्वोपरि होगी। सरपंच साहब ने तो अपनी बात रख दी, तो मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ ग्रामीणों के पास, जहाँ इसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। दोस्तों नमस्कार, जैतन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतन का सबसे बड़ा जैतन न्यूज यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी चुनावी यात्रा को लेकर, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आज जैतन से ठीक 13 किलोमीटर दूर लोटोती ग्राम आया। दरअसल लोटोती ग्राम का नाम वैसे तो आम तौर से लोग लेते नहीं, लेकिन मेरे लिए ये शुभ नाम है लोटोती। और लोग इसे ताला वाला गांव भी कहते हैं, इस नाम से भी पहचाना जाता है। और मैं अपनी चुनावी यात्रा को लेकर इस समय लोटोती हूँ, तो बताना चाहूँगा कि इस बार इस लोटोती ग्राम पंचायत में ओबीसी महिला की सीट रही है। और इस लिहाज से इस चुनावी महासमर में, सरपंच के चुनावी महासमर में 8 महिला प्रत्याशी मैदान में है और कुल 9 वार्ड है। और बताया जाता है कि यहाँ लगभग 3200 से अधिक यहाँ के मतदाता है, जो 8 प्रत्याशी महिला प्रत्याशी ओबीसी के महिला प्रत्याशी, उनके भाग्य का फैसला ये जनता जनार्दन जो आप देख रही है ये करेंगे। और एक बार फिर बताना चाहूँगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रत्याशी के लिए नहीं है, मेरे लिए प्रत्याशी ये जनता जनार्दन है। और इनके लिए यह दरअसल जनता क्या चाहती है, इस गाँव की क्या समस्या है और ये जनता कैसा सरपंच चाहती है अपनी ग्राम पंचायत में। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ भी किसी पर व्यक्ति विशेष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करे, नहीं किसी पर आरोप लगे और हो सके सभ्य भाषा का इस्तेमाल करे। मैं देख रहा हूँ मेरे साथ मौजूद है इस ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री सिंह सिंह जी राठौर साहब है, जो मेरे पुराने परिचित भी और अच्छे वक्ता है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूँगा, आप कम शब्दों में बोला, चूंकि मेरे पास समय का अभाव है। समय तो शाम तक मैं आपके घर में भी रह सकता हूँ, दरअसल वीडियो की एक समय सीमा होती है। सर धन्यवाद, आपका स्वागत है। क्या कैसा सरपंच चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत में? हमारा पत्रकार जी नमस्कार, हमारा सरपंच ऐसा होना चाहिए जो 5 साल का अपना विजन बताए कि मैं 5 साल में गांव में क्या करना चाहूँगा, मेरा क्या योजना है, और गांव की जो समस्याएं हैं उसके लिए हमें एक शिक्षित सरपंच चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये सभी सरपंच पति होंगे या सरपंच पुत्र होंगे जो उनको चलाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात कही, मैं ये कहना चूक गया था कि दरअसल मैं देखता हूँ कई बार, हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि महिला के पति या उनके भाई या उनके ससुर ही सरपंचाई करते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार लोटोती ग्राम में ऐसा नहीं होगा। और हमें 36 को हमको ये भरोसा है कि गांव के चहुमुखी विकास की तरफ उनका झुकाव होगा, जैसा पिछले सरपंचों ने हमारे गांव को प्राथमिकता दी। हाँ, उनका कार्यकाल कैसा रहा था? हमें पिछले सभी सरपंचों के कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं। कुछ काम होते हैं, कुछ काम रह भी जाते हैं, और काम हमेशा चलते रहते हैं। विकास है एक ऐसा प्रगति का पहिया है कि इस पहिए को आप कभी कहीं नहीं रोक सकते। और त्वरित समस्याओं के अलावा जो मूलभूत समस्याएं हैं, आधारभूत समस्याएं हैं, जैसे रोड है, पानी है, हॉस्पिटल है, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, और इस तरह से, और हम हर आम और खास आदमी के लिए समर्पित 5 साल तक अपने को जनता का सेवक समझ करके काम करें, ऐसा सरपंच चाहते हैं। उसका विजन क्लियर हो और किसी भेदभाव के बिना पक्षपात के, और अच्छा सरपंच कैसा होगा? निर्भीक होगा, ईमानदार होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, और इच्छा शक्ति मजबूती के साथ में, और पढ़ा लिखा सरपंच होगा तो जरूर उसको मिसगाइड नहीं करेंगे। धन्यवाद, मेरे साथ मौजूद है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष जी जोशी साहब, आप अपनी ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच चाहते हैं और आपके ग्राम की प्रमुख समस्या क्या है? हमारी प्रमुख समस्या जैतारण से लेकर निम्बोल तक, वो मैंने देखी है, बहुत हालत खराब है इस ग्राम की। सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, और दूसरा चिकित्सा विभाग की और पेयजल की है। हमारी बहन बेटी को, बहुओं को दूर दूर से पानी की समस्या होती है, पानी लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। चिकित्सा के लिए यहाँ से 12-15 किलोमीटर पहले कोई सुविधा नहीं है। डिलीवरी को ले लो, छोटी मोटी बीमारी को ले लो, किसी को लेके किसी प्रकार की कोई यहाँ सुविधा नहीं है। जो भी सरपंच आता है, हमें यही चाहते हैं कि भी ये हमें सुविधा मिले, और जो भी बारिश साधनों का आवागमन है उससे भी हमारे को रोड से छुटकारा मिले, ताकि कोई रोड अच्छी हो तो हमारा आना जाना एकदम सरल हो जाए। भाई साहब, आप कैसा सरपंच चाहते हैं? नाम मत लेना किसी सरपंच का, अपने लिए सभी सर्वोपरि है। नहीं, मेरे लिए शिक्षित सरपंच चाहिए, और सड़क का साथ में मतलब गांव के लिए चहुंमुखी विकास के लिए जो भूतपूर्व सरपंच साहब ने बोला है, वो उन्होंने बहुत अच्छा बहुत बोला है,
और वही चाहते हैं कि मैं ग्रामीणों से ये जानना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले मेरे पहला जी सरगरा साहब जो आपके सरपंच रहे उनसे बात हुई, उन्होंने लंबे चौड़े विकास के मामले बताए। उन्होंने कहा कि मैंने इस ग्राम में गुरु पथ बनाए और रोड लाइटें भी लगी, क्या यह सत्य है या गलत है? यह सही है, यह सत्य है। इन्होंने बिल्कुल रोड लाइटें लगाई है, जगह जगह ब्लॉक जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ जब भी है वहाँ पे लगवाए हैं और अपना काम किया है, हम उनसे संतुष्ट है। आप मारवाड़ी में भी बोल सको, मने मारवाड़ी पूरी आवे केड़ो सरपंच है जी आपने? मैं बोलो, हाँ बोलो, बोलो। पानी की समस्या है पूरी, पानी है नहीं, मीठा पानी की समस्या पूरी आते और जरूरी रहना आते वो है तो काम रहना चाहिए। सरपंच केड़ो चाहिए थाने? सरपंच अपने बजियो गांव को काम अलावे, गांव के सब आने जाने हिरका छोटा मोटा सब आने एक एक साथ चाले तो सरपंच आवे। भाई साहब आपका क्या? हाँ सर, आप शायद पूर्व सरपंच हो इसे लोटो दी ग्राम उप सरपंच, सॉरी, क्या है कैसा सरपंच आते हो अपनी ग्राम पंचायत में? चूंकि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, एज मेरी तरह न्यूट्रल होके बताना, किसी व्यक्ति विशेष का नाम मत लेना। खान मीडिया जताण का हार्दिक स्वागत है लोटो दी ग्राम पंचायत में। जनता की भावना है कि हमारा ग्राम पंचायत में रिमोट कंट्रोल का सरपंच नहीं चाहिए, जो जो जनता जान रही है ये 29 तारीख को पेटी फैसला कर देगी। हमारे गांव में स्वतंत्र सरपंच चाहिए जो स्वतंत्र स्वविवेक से काम करे, किसी के दबाव में आने का सरपंच हमारे ग्राम पंचायत को नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ एक बहन जी है जो कुछ बोलना चाहेंगे सरपंच प्रत्याशी है, बताया गया, क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम रामू कुमाऊद है, मैं सरपंच प्रत्याशी में खड़ी हुई हूँ। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी यदि आप इस ग्राम पंचायत के सरपंच बनते हो तो? आपकी मेन प्राथमिकता क्या रहेगी? मेन प्राथमिकता एक तो है ना सड़क, और दूसरी है पानी की समस्या, यहाँ चरमराई हुई है और मीठा पानी यहाँ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। गांव के चारों ओर पानी है परंतु गांव के अंदर पानी नहीं मिल रहा है। लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी की होती है। आप पढ़े लिखे कहाँ तक हो? मैं बीए कर चुकी हूँ। वेरी गुड, तब तो उम्मीद है। हालांकि मेरी ओर से तमाम आठ ही उम्मीदवार है, तमाम आठ ही उम्मीदवार है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अकेले को मैं शुभकामना नहीं दे रहा, बावजूद इसके मैं क्या है कुछ कड़वी बातें कह देता हूँ, मुंह पे कह देता हूँ, नाराज होने की कोई बात नहीं। क्या नाम है? हाँ, राजू कुमाऊ जी, रामू कुमाऊ जी, यदि आप सरपंच का चुनाव हार जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? मैं चुनाव, मेरे मन में विश्वास है कि मैं नहीं हारूंगी, मुझे 36 कौम का साथ है मेरे साथ में। मैडम आप 36 कौम की बात कर रहे हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार जो लोग 36 कौम की बात करते हैं चुनाव जीतने के बाद 36 कौम कभी याद नहीं आती उनको। नहीं, मेरे को याद आएगी, मेरे को 5 साल तक याद आएगी। महिलाओं के लिए आप क्या करोगे? महिलाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। डॉक्टर नहीं है और ANM नहीं है, और सेकंड बात है डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस नहीं आती है, क्योंकि जैतान से लोटोती तक की सड़क है ना 1 घंटा लगता है, जहाँ 10 मिनट का टाइम है वहाँ एक घंटा लगता है, और डिलीवरी के टाइम कोई तो जच्चा बच्चा बीमार हो जाता है या कोई माताएं बीमार हो जाती हैं। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे, बेबाकी के साथ बोलना चाहेंगे? है कोई भाई साहब? हाँ, इधर, क्या नाम है सर जी आपका? पंचराम है मेरा। आपका नाम, आपका स्वागत है इसे जेता न्यूज में। आप कैसा सरपंच चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत में? हमारी ग्राम पंचायत में ऐसा सरपंच चाहिए जो एक तो मेन हॉस्पिटल की सुविधा कर सके गांव के अंदर, जो बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में, और मेन सड़क का है वो चाहिए, और यहाँ आउटर रिंग रोड की भी एक डिमांड है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हैवी ट्रकें आती है 15-15, 20-20, 30-30 टन की वजन, और पूरी पूरी रेत घरों में चली जाती है। गांव के अंदर बीच में से ये रोड है, इसलिए आउटर एक रिंग रोड की भी ये गांव के लिए बहुत ही जरूरी है। और पेयजल की व्यवस्था, पेयजल की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मीठा पानी नहीं आता है, और पानी के लिए जो कुछ भी करे, सबसे ज़्यादा पानी की यहाँ किल्लत है, और पानी के लिए बहुत कुछ करना है, हॉस्पिटल के लिए करना है, शिक्षा के लिए करना है, और खेल का मैदान नहीं है यंग जनरेशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोई रोल मॉडल बने, यहाँ से कोई खेल मैदान से खेल कूद के आगे जावे और हम गांव का नाम रोशन करें, ये सब सुविधा के लिए। अभी मेरी बहुत महीने भर से इच्छा थी कि मेरे गांव में कोई रोल मॉडल नहीं है, लेकिन एक हमारे गांव का सौभाग्य है कि 2 दिन पहले हमें एक हमारी बहन, हमें खुशखबरी मिली कि वो कर्नल बनी है। तो ये जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि हमको भी वो कर्नल बनना है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्यामलाल कुमाऊ है।
आप क्या चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत में? आप भी उम्मीदवार हो गए, आपके घर से कोई? घर से है, मेरी मिसेज है खान साहब, लोटोदी ग्राम पंचायत में पनारने पर आपका हार्दिक स्वागत। आपके घर वाले बोल चुके हैं, चूंकि मैं आपको बार बार मौका नहीं दे सकता। नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे लिए सभी समान है। मैं दूंगा, मैं एक बार वापस आऊंगा, मैं आऊंगा 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 मैं आऊंगा। हाँ भाई साहब, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, सबको मौका, मैं सबको मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा। हाँ धन्यवाद सर। हाँ हाँ सर, आप नजदीक आइए। हाँ क्या नाम है आपका? दिनेश जोशी है सर। आप तो बोल के सही। नहीं नहीं, हमने नहीं बोला, हमने एक ही तीन समस्या बहुत है हमारे गांव में। पहले तो हॉस्पिटल चाहिए, हम जेतारण बार बार नहीं जा सकते, कोई भी पट्टी लग जाए तो क्या कर सकते सर। रोड रोड की पहले घर में मिट्टी, पूरी मिट्टी खाते हैं हम घर में, और पानी मीठा पानी नहीं है, और हर प्रॉब्लम गांव में इतना है, चार पांच और भी है एक्स्ट्रा फैक्ट्री की वजह से हमारी समस्या हो गई। हाँ भाई साहब, क्या नाम आपका? हनुमान डाडिया मेरा नाम है। आपके घर से भी कोई उम्मीदवार है क्या? क्या बात है, यहाँ आठ ही उम्मीदवार है, और मुझे अच्छा लगा कि कमावे से यहाँ सभी उम्मीदवार एक ही स्थान पर एकत्रित हुआ, ये सबसे अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। कैसा सरपंच चाहते हो? हाँ सरपंच तो आपके घर से होंगे, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इस गाँव के लिए? हमारी प्राथमिकता पहली है रोड, फिर है हॉस्पिटल, तीसरा काम है पुस्तकालय खोलना, अच्छे बच्चे पढ़ सके, अच्छे सब्जेक्ट लाना राज्य सरकार से, ये हमारी प्राथमिकता है, और एक स्टेडियम की सख्त ज़रूरत है, और एक इस ग्राम पंचायत में एक बैंक की ज़रूरत है, प्लस इस गांव में एक रोड जो जेतारण से लेके निम्बोल तक जो रोड की स्थिति है, किसी को अपन न्यूता देने जावे जेतारण के भाई हमारे यहाँ खाना आया वो मैं भुगत रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैं मेरे को पता। हाँ हाँ भाई जी, आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शैलू कुमार। आप तो चुनाव में खड़े नहीं हो? नहीं। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैं 12th। कैसा सरपंच चाहते हो आप कुमाऊं जी का नाम मत बताना, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? क्या चाहते हो और गांव की प्रमुख समस्या क्या? चूंकि आप पढ़े लिखे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो पानी की, सड़क की और चिकित्सालय नहीं है, और सबसे पहले ये मैं सोच रही हूँ पांच सालों में फैमिली की बहुत समस्या है, लेडीज बहुत परेशान है। नहीं लेकिन मुझे सरपंच साहब ने बताया कि मैंने महिलाओं को यहाँ सबसे ज्यादा रोजगार दिया, क्या आपको रोजगार मिला महिलाओं को नरेगा में? नरेगा में झूठ मत बोलना, ऐसा हो ही नहीं सकता। गारंटी के साथ रोजगार मिलता है, गारंटी के साथ रोजगार मिलता है, गारंटी के साथ। नरेगा में बहुत परेशान है लोग, अब की बार बहुत परेशान है। हाँ भाई जी, आप कैसे सरपंच, आप बोल नहीं पाओगे, आप कोई बोलना चाहते हो महिलाओं को? मेरे लिए प्राथमिकता है। हाँ भाई साहब, और कोई भाई साहब है? हाँ क्या नाम है आपका? क्या सिंह मेरा नाम है। स्वागत है आपका। बिल्कुल। अच्छा आपके घर से भी प्रत्यक्ष है, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेन प्राथमिकता सर हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, गाँव वाले बहुत दुखी हो रहे हैं, छोटा सा इलाज कराने के लिए जेतारण जाना पड़ता है, जेतारण जाओ तो रोड इतनी खराब है कि पेशेंट बीच में तैयार हो। आपका शुभ नाम क्या सर? आपका शुभ नाम? मनोहर सिंह है। मनोहर सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा आपने इस गांव के लिए क्या योगदान किया, आपने कैसी सेवा की इस गांव के लिए? सर मैं पंचायत सहायक हूँ, तो मैंने अच्छी सेवा की है, किसी को मैंने अभी तक किसी को व्यक्ति को खाली नहीं मिला कि मेरे से काम नहीं होगा, मैं तन मन से उनकी सेवा और काम कर रहा था और करूंगा। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहते हैं? सबको मौका दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप मेरे पे आरोप लगाओगे हमारी बात आपने नहीं की। हाँ क्या नाम है भाई साहब आपका? खेमाराम कछवा है। आप कैसे सरपंच चाहते हो? आप तो सरपंच नहीं बनने हो? मैं नहीं हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ यही, और सेवा ही करनी चाहिए मेरे जैसे। तो क्या है कि यहाँ जो अस्पताल है, पानी है, सड़क है, और जो निर्मेक्स फैक्ट्री है, इसमें जो बेरोजगारी की बढ़ रही है, और यहाँ जो खूब सारी बीमारी फैल रही है इस प्रदूषण के कारण, आवागमन के साधन के कारण लोग दुखी हो रखे हैं, तो समय को देखकर ये सरपंच, भावी सरपंच आने वाले हैं, उनसे उम्मीद यही करते हैं कि जो पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और अच्छा कार्य करे और अपने गांव का विकास कर, जिससे कि हर महिला बच्चे और बच्चे लड़कियों के पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा दें, पुस्तकालय है। भाई साहब बीड़ी दूर रखे, भाई साहब बीड़ी दूर रखे, भाई साहब बीड़ी दूर रखे, भाई साहब बीड़ी दूर। हाँ अपनी बात रखे। महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है जगह जगह पे, और सार्वजनिक जगह पे पैसा घर नहीं है, जिससे कि कोई भी प्रत्याशी होते हैं, खड़े होते हैं या जो भी बस स्टैंड पे आते हैं यात्री, उनके लिए पेशाब करने के लिए, पानी पीने के लिए हर बात की समस्या रहती है, और उधर उधर भटकने पड़ते हैं पानी के लिए, और पानी के लिए फ्लोरेट पानी आ रहा है, जैसे कि हर आदमी के लिए पैरों में, कंबन में, गर्दन पे, सब जगह की बीमारी फैल रखी है और दुखी हो रखे हैं। और जो ये सड़क है जेतारण से 12 किलोमीटर दूर, यहाँ हर आदमी को समस्या रहती है, रात के समय आना किसी की बस की बात नहीं है, अगर आते हैं तो कुछ न कुछ अपने शरीर का अंग भंग अलग करके आते हैं। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ, एक बार आपको और मौका दे रहा हूँ। हाँ भाई साहब, आप नाराज हो जाएंगे? नहीं नाराज की बात नहीं है, ऐसा है कि खान साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि
गांव में एक अच्छा नागरिक मतलब सरपंच बने। गांव की जो मूल समस्याएं हैं राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो योजना है वो पूर्ण रूप से यहां लागू नहीं होती है, किसी को पता भी नहीं है गांव वालों की क्या योजना चल रही है। जैसे वो सार्वजनिक वोटों पे लिखा रहता है, होता है, लेकिन अनपढ़ लोगों को क्या होता है कि ये लिखा हुआ है या नहीं है। नहीं, लेकिन इस बार तो अनपढ़ महिलाओं को भी सरकार ने चुनाव लड़ने का वो तो मान लिया आपकी बात, लेकिन हम लोग मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं हर घर तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। और गांव में मीठे पानी की कमी है और जहां रोड लाइट नहीं है बेरे डाणियों पे रोड दुरुस्त है, उनको रोडों को सही करवाएं। हाँ, आपकी हाँ बात हो गई। हाँ, भैरवराम जी है लोटोदी के एक समाज से है और नज़दीक है, इधर आइए। बड़े झुंझारू है और मैं बताना चाहूँगा बड़े सेवाभावी आदमी है, आपका स्वागत है। आज मैं आपके गांव में आया, आप हमेशा निमंत्रण देते हो कि मेरे गांव में नहीं, आज साक्षात रूप से आपके गांव में आया हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप कैसा सरपंच चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत में? आईबी खान साहब का ग्राम पंचायत लोटोती के अंदर सह रहने से आपका स्वागत है। हमारे गांव लोटोती के अंदर सरपंच वास्तव में शिक्षित सेवाभावी और सभी 36 कौम के मानव जात को साथ में लेकर के चल सके और सबका सम्मान हो और राज्य सरकार की जितनी भी सुविधाएँ हों वो उन्हें ग्राम सेवक के मार्फत सीधी पर्दाफाश करके लागू करें, हम ऐसे सरपंच को चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इससे ग्राम के जितने भी ये मौजूद लोग खड़े हैं, जितने भी मतदाता खड़े हैं और देश भर में जितने भी राज्य भर में ये जो वीडियो देख रहे हैं उनसे एक विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि वो सरपंच के इस चुनाव के दौरान ना किसी से शराब पिए, ना किसी से अफीम खाए, ना किसी से पैसा ले। दरअसल आप शराब अफीम पैसा लोगे तो फिर सरपंच तो पैसा खाएगा ही खाएगा, क्योंकि वो आपके लिए लगा रहा है, वापस उससे ही कमाएगा। तो आप अपने वोट को क्यों बेचते हो? मैं कोई लोटोती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मेरे 16वीं ग्राम पंचायत है, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, लोग रोटियां खा रहे हैं, लोग अफीम ले रहे हैं और शराब के नशे में भी धुत है और पैसे भी ले रहे हैं। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नज़दीक आई हो, मैं नज़दीक नहीं हूँ, नज़दीक। हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर, मैं ये कहता हूँ बेराराम जी की बात से मैं भी समझता हूँ, 36 कौम को साथ लेके चले ऐसा सरपंच प्रत्याशी होना चाहिए। और ये आपने आपकी बात से भी सहमत हूँ, ये नशा मुक्त पूरे भारत में चल रहा है, नशा मुक्ति होनी चाहिए, बाकी ये नशा को बढ़ावा देने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सरपंचों का चुनाव तो 29 तक है, उसके बाद फिर क्या होगा? आपका श्री आपका स्वागत है, कैसा सरपंच चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत में? नाम मत बताना किसी का। नाम नहीं बताऊंगा मैं, हमें एक सशक्त और शिक्षित उम्मीदवार चाहिए जो खुद अपने बलबूते पे काम कर सके, इवन उनके पति भी उनके आसपास नहीं आने चाहिए, ऐसा सरपंच देखना चाहते हैं हम गांव वाले। वो बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा अवसर बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पति या पिता, पुत्र या भाई नहीं आता है। कम आवाज हर ग्राम पंचायत में यही हाल है। मैं अपील करूंगा गांव के जितने भी शिक्षित लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि जो शिक्षित सरपंच है प्रत्याशी है उसी को चुने और उसके पति को भी सरपंचाई करने से वंचित करें। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? सबके लिए मौका है सर। हाँ, सबके लिए मौका है, कोई आप आरोप मत लगाना। मैं इस समय एक बार फिर बताना चाहूंगा कि लोटोती ग्राम पंचायत में आया हूँ और बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, अपने विचार रख रहे हैं। हाँ भाई जी, आप क्या कहना चाहोगे? भाई जी, आप कैसे सरपंच चाहते हो? अच्छे चाहते हैं, सबको साथ में लेकर चलते, वो सरपंच हम सबको उसको मानेंगे। हम गरीब है तो हमारे भी साथ नहीं, मैं भी गरीब हूँ, आपकी तरह सहायता करने वाला होना चाहिए। हाँ, जो गरीबों की सुने, नरेगा में लगावे, जो सरकारी योजना का फैमिली भी नहीं चलती है तो हम क्या करें? और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? और कोई है? सबको मौका दिया जा रहा है, एक बार सबको मौका दूंगा। हाँ, आपका नाम बताए भाई साहब, क्या नाम है आपका? आपका आपसे कह रहा हूँ, आप कैसे सरपंच चाहते हो? बढ़िया सरपंच, गाँव में काम करे जो आदमी रहे, चौका सूत्र आदमी रहे, पढ़े लिखे आदमी रहे, अन काम करावे जड़ा आदमी रहे, हड़कू लेन माने पानी लेन कोई सुविधा नहीं, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं अटे, सब बात रहे काम करे तो एड़ो सरपंच चाहिए। पिछले सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया काम रियो, बानू रियो जड़ो बहुत बढ़िया काम करियो, रोड लाइटर लगाए दी। हाँ, तो मैं अब आपसे
इजाजत चाहता हूँ तरह से ले, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और इस ग्राम के लोगों का मेरे पर अपार स्नेह रहा, किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा, सबका स्नेह रहा। मैं आईबी खान कैमरामैन दीपक के साथ अब अपनी चुनावी यात्रा को लेकर शीघ्र ही एक ऐसी ग्राम पंचायत ले जाऊंगा जहां इसी तरह से लोग मौजूद होंगे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे, जहां गांव की समस्या होगी और गांव के विकास के मुद्दे होंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद। देखते रहे चेतन का नंबर वन चेतन न्यूज यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।